संस्कृति, अपने धर्म, अपनी पहचान को भुला देना ऐसे ही होता है जैसे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देना। हिंदुओं के साथ बेगाने व्यवहार के उस दौर को आप भूले तो नहीं होंगे। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our resources. ये रमजान के पांच महीने के आखिरी जुम्मे पर प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर जो इफ्तार पार्टी दी थी, वहाँ पर मेहमानों की लिस्ट कुछ खास थी। President Pranab Mukherjee hosted an iftar reception at Rashtrapati Bhavan yesterday. और अब एक दौर ये भी है। राष्ट्रपति भवन में इस बार इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या इफ्तार में जाना ही मुस्लिम प्रेम है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आज होने वाली रोजा इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो सकेंगे। कभी भारत में आने वाले विदेशी मेहमान ताज या सांप सपेरों के दीदार करते थे, आज पीएम मोदी उन्हें भारत के मंदिरों में ले जाते हैं, सीता उत्सव में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला को चीफ गेस्ट बनाते हैं, पीएम विदेशी मेहमानों को देश की संस्कृति से जुड़े तोहफे देते हैं। नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को जापानी भाषा में अनुवाद की गई गीता तोहफे में दी। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया को तीन शानदार गिफ्ट दिए जिसमें शहद, शॉल और ब्रेसलेट शामिल हैं। देश की सांस्कृतिक धरोहरों, हमारी प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों को वो देश में वापस लाए हैं। जिस अंदाज में पूरी दुनिया एक साथ क्रिसमस का त्योहार मनाती है, आज वैसा ही माहौल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर होता है। आज हिंदू धर्म से जुड़े तीर्थ स्थानों को वो दर्जा मिला है जो कभी हज यात्रा को दिया जाता था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, कैलाश मानसरोवर भवन बनेगा, हज हाउस की तर्ज पर कैलाश मानसरोवर बनाया जाएगा। केदारनाथ की प्राचीनता को बरकरार रखते हुए उसे भव्य रूप दिया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए नाथुला का रास्ता पीएम मोदी ने खुद चीन से बात करके खुलवाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैलाश मानसरोवर के लिए सिक्किम के नाथुला दर्रे वाला रास्ता खोलने को तैयार हो गए। हमारी प्राचीन नगरियों को उनके पुराने नाम वापस मिले हैं। पीएम मोदी खुद बनारस को हिंदू धर्म की प्राचीनता को दर्शाने वाले शहर के रूप में भव्यता के साथ विकसित कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की 221 मीटर ऊंची यानी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की तैयारी है। आज रक्षाबंधन के मौके पर राखी और गणेश चतुर्थी से पहले भगवान की प्रतिमाओं पर जीएसटी नहीं देना पड़ता है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले हजारों एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। हिंदू धर्म की आत्मा गंगा मैया को फिर से निर्मल बनाया जा रहा है। और अब मोदी सरकार कुंभ के मेले का भव्यता और ग्लोबल रूप में आयोजन कर रही है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या करते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए तो इतना ही काफी है कि टोपी पहनकर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर वोट बटोरने वाली पार्टियों के नेता अब टीका लगाकर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर चक्कर काटते हैं।